फैसिलिटी सिरनिंग कैफे है, लेकिन ये भी अभी बंद है भाई। यहाँ पे विजिटर है ही नहीं, हम ही लोग हैं, अपनी जिमनी इंटरसेप्टर और एक बंदा जिसका हेलमेट नीचे गिर गया था। एक भी बाइकर या कोई भी गाड़ी अगले से ऊपर उंगलियाँ नहीं जाते हुए दिख रही है। दोपहर के बाद किसी की हिम्मत नहीं है कि वो उंगलियाँ जाके सबमिट करें, तो आप भी ध्यान रखो भाई इसका। ढीला नहीं हुआ है? ना ढीला नहीं हुआ है, नहीं धुआं देती है सब कुछ सब। अच्छा सही में नोटिस किए हैं? नहीं दिया। यहाँ पीछे दो बंदे जो केरला से आए थे वो फोटो खिंचवा रहे थे, और गाड़ी पे हेलमेट जो होता है हम लोग ऐसे ही रख देते हैं, तो उन्होंने हेलमेट वैसे रख दिया और हेलमेट पूरा, इतना ज़्यादा विंड है ना कि हेलमेट पूरा का पूरा नीचे चला गया। खैर एक्सेसिबल था तो बंदे ने जाके हेलमेट ले आया। अरे बिल्कुल बिल्कुल, श्योर श्योर। अमन कैसा फील कर रहा है? अरे आई एम ऑल गुड, ऑल ओके, ऑल फाइन नाउ, बट जो ठंडी ने जस्ट कांट एक्सप्लेन वो हेलमेट वापस पहले बात कहो। मिल गया हां पा गया, पूछ रहा है पूरा। अरे सो देयर यू कैन सी अ गाय जिसका हेलमेट नीचे गिर गया था और अब वो अपना हेलमेट लेके ऊपर आ रहा है, उतना नीचे वो बेचारा नीचे गया था हेलमेट लेने। ये देखा करो जब भी आप इतने विंडी एटमॉस्फेयर में आप फोटो टू खिंचवाओ तो हेलमेट को पहले सिक्योर कर दो, क्योंकि एक बार हम लोग जब मुस्तांग गए थे तो हमारे साथ भी ऐसा हुआ था कि कागबेनी के पास गए, हेलमेट रखा बाइक पे और हेलमेट उड़ के नीचे चला गया, और वो तो इतनी नीचे चला गया कि लाने के कंडीशन में नहीं थे, तो किसी तरह से राइड आगे कंप्लीट की, फिर आके जोम सोम में वापस हेलमेट, भाई एक भाई ने थोड़ा सा रहम करके हेलमेट दिया, पैसा नहीं दिया अपना हेलमेट दिया ये। और यहाँ पे भी इतनी विंड चल रही है, भाई हेलमेट रख के फोटो खिंचवा रहा था और हेलमेट पूरा का पूरा नीचे चला गया। खैर वहाँ तक जाने का थोड़ी सी थी गुंजाइश तो बंदा जाके लेते आया है। और भाई आज जो हम लोग के साथ दिक्कतें आई हैं उन दिक्कतों को देख के भाई लगता है कि प्रिपरेशन काफ़ी अधूरी थी। हम लोग को लगा कि हम लोग बिल्कुल प्रिपेयर्ड हैं, एक्चुअली हम लोग कार में थे तो उस हिसाब से तो ठंडी से बचने बाकी चीज़ें बचने से तैयारी तो करके रखे थे, लेकिन अमन निकलते समय इतनी हम लोग की जल्दीबाजी थी कि अमन से बहुत ज़्यादा बात भी नहीं हो पाई और ये थोड़ा डिले भी निकला, तो प्रिपरेशन इसके हिसाब से प्रिपरेशन में बहुत कुछ कर नहीं मिला। मैं बहुत रश में आया हूँ भैया, और मैं एकदम आप समझिए आप लोग रुक के आए हैं, एटलीस्ट टी चंडीगढ़ एंड मोहाली आप लोग आराम से आए हैं, उसके बाद मैं सीधा पटनी टॉप आप लोगों को मिला। ठीक है, तो एक सही बात बताएं तो बिल्कुल रेस्ट भी नहीं किया मैंने। ऊपर जो टेम्परेचर था वो लगभग -5 के आसपास था, लेकिन जो विंड थी, विंड की स्पीड तो नहीं बता सकते, इतनी स्पीड थी कि आप खड़ा हो जाओ तो बस वो -5 -25 बन के शरीर में घुस रही थी, बस इतना ही बता सकते हैं। वो विंड एकदम शरीर को आपको कहाँ फेंक देगी पता नहीं चलेगा, पूरा ग्लव्स निकालते ही हाथ पूरे सुन्न पड़ जा रहे थे, और हाइपोक्सिया होना बहुत कॉमन है, और थोड़े भी अगर आप ठंडी से बचाव नहीं कर रहे तो फिर आपकी हालत जो है बहुत ख़राब हो सकती है यार। प्लीज़ जब भी आओ तो पूरा प्रिकॉशन के साथ आओ और टाइम लेके आओ यार, रुक रुक के आओ, बहुत कोई जल्दीबाजी नहीं है। अब आप सोचो कि यहाँ पे बिना हेलमेट के पिलियन और राइडर दोनों नहीं चल सकते, इम्पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि ठंडी बहुत ज़्यादा है, अगर आप कितना भी कवर लगा लोगे ना सर पे, लेकिन ठंडी आपकी जान लेने को बिल्कुल समझ लो तैयार है, तो हेलमेट तो चाहिए। चेकिंग की दृष्टि से अगर देखा जाए कि बार बार चेक पॉइंट मिलेंगे तो वहाँ आपको चेकिंग के लिए प्रॉब्लम होगी, सेफ्टी के लिए, ठंडी के लिए, तो हर लिहाज से हेलमेट कितना ज़रूरी है आप अंदाजा नहीं लगा सकते। तो इस पॉइंट पे उमलिंगला जैसे पॉइंट पे जो बिल्कुल रिमोट एरिया है, और यहाँ से आप बिल्कुल फास्ट भी जाएंगे तो एक दिन लग जाएगा आपको ले जाने में, वो भी अर्ली मॉर्निंग से लेकर लेट नाइट तक अगर चला रहे हैं तो, वैसे तो भी आधे रास्ते में है तो पूरा का पूरा आज का दिन और कल का दिन ऐसे जाएगा, तो कितना दिक्कत होगा बिना हेलमेट के। काजीरंगा मिलिट्री से रनिंग कैफे है, लेकिन ये भी अभी बंद है भाई। यहाँ पे विजिटर है ही नहीं, हम ही लोग हैं, अपनी जिमनी इंटरसेप्टर और एक बंदा जिसका हेलमेट नीचे गिर गया था, वो बस इतने ही लोग हैं। हम लोग अपना कुछ फटाफट बनाने वाली मैगी
वो यहाँ बनाएंगे फिर खा के नीचे चलते हैं। मैगी बनाते हैं यहीं पे। हाँ क्या बनाते हैं? स्टार्ट कीजिए। ढीला नहीं हुआ है? ना ढीला नहीं हुआ है? नहीं, धुआं देती है सब ये सब। अच्छा सही में? हाँ नोटिस किए हैं? नहीं दिए, नहीं दिए। ये है दोस्तों, ये उतरते समय जब आप उमलिंग लेयर से नीचे उतरेंगे ऐसे बहुत सारे आपको घाटा लूप मिलेंगे, एक दो नहीं बहुत जगह पे ऐसे मिलेंगे जो रास्ता है ना ऐसे 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 करके मिला हुआ आपका, बहुत सारे ऐसे मिलेंगे। ये है कि विंड बहुत तेज, हम लोग गाड़ी से अगर उतर रहे हैं तो विंड हम लोग को एकदम पीछे ढकेल दे रही है। ये एक प्रॉब्लम है कि जैसे आप गाड़ी या बाइक से जा रहे हो इसमें पूरे उमलिंगला में अगर दोपहर के बाद आने की आप हिम्मत ही मत करो, एक बजे दो बजे के बाद क्या दिक्कत है, विंड इतनी तेज चल रही है दोपहर के बाद कि आपके तरफ चलेगी, तो बहुत सारे ऐसे शार्प टर्न है तो आपको धक्का दे देगी और जो भी आपके लिए रिस्क है, और अगेंस्ट जाएंगे जो भी ऐसा अर्ली मॉर्निंग निकलो और दोपहर तक फिनिश करके वापस चले जाओ उमलिंगला तो ज़्यादा बेहतर है। और ये नज़ारे देखो भाई, क्या नज़ारे हैं, क्या ज़बरदस्त नज़ारे हैं। देखो नीचे लूप्स और हम लोग ऊपर से उतर रहे हैं ना, लगभग 1 बजे के आसपास से हम लोग वहाँ से चले हैं, एक भी बाइकर या कोई भी गाड़ी अगले से ऊपर उमलिंगला नहीं जाते हुए दिख रही है। यानी दोपहर के बाद किसी की हिम्मत नहीं है कि वो उमलिंगला जाके सबमिट करे, तो आप भी ध्यान रखो भाई इसका। बोला जाता है कि एक टफ सफ़र तय करने के बाद ही एक खूबसूरत नज़ारा देखने को मिलता है, तो वो यहाँ पे फील होता है कि एक लंबा सफ़र, एक कठिन सफ़र जहाँ पे आपको नेटवर्क नहीं मिलेगा, खाने पीने की व्यवस्था नहीं मिलेगी, अच्छे से सोने की व्यवस्था नहीं मिलेगी, पानी नहीं मिलेगा आपको अच्छे से, इन सब कठिनाइयों को पार करते हुए जब आप यहाँ पे पहुँचते हैं और यहाँ का जो नज़ारा देखते हैं वो आपकी आंखें जो है बिल्कुल यहाँ से जाने का मन ही नहीं करता है, लेकिन ऐसा इन्वायरमेंट है, ऐसा मौसम है, ऐसा माहौल है कि ज़्यादा देर तक आप यहाँ पे सर्वाइव नहीं कर सकते। 50% से कम ऑक्सीजन पे सर्वाइव करना आपके लिए भी प्रॉब्लम है, आपकी गाड़ी के लिए भी प्रॉब्लम है। सबमिट करके हम लोग आ गए हैं मिल्की वे कैफे, जहां हम लोग गए थे कल, और ठीक इसके सामने है ये हल्ले मॉनेस्ट्री, और यहां भी ये 15,300 फीट की हाइट पे है, उमलिंगला 19,024 फीट की हाइट पे है, लेकिन यहां भी विंड बहुत ज़्यादा है। खैर दोस्तों, बहुत ही एडवेंचरस ये जर्नी थी हल्ले से उमलिंगला जाने की और उमलिंगला से हल्ले वापस आने की। लगभग 6 आवर हम लोग को लगे, 9:45 बजे हम लोग निकले थे और 3:30 बजे हम लोग वापस आ गए, तो 6.5 घंटे हुए, 6 घंटे आप मान लो। एक्चुअली होता क्या है ना, जब जैसे हम लोग जिमनी में 4 बंदे हैं, अब एक बंदा अगर होता है तो क्या होता है कि वो प्लान करता है कि मैं 7 बजे निकलूँगा, वो उठेगा अपना 7 बजे निकल लेगा, 4 बंदों में क्या होगा, एक बोलेगा अरे इतनी जल्दी जाने का कोई मतलब नहीं है, बहुत ठंडी होगी, कोई बोलेगा अरे यार वो दिक्कत होगी ना, सुबह सुबह जाके क्या करेंगे, वहाँ जल्दी पहुँच जाएंगे तो क्या होगा, थोड़ा धूप निकल जाएगा तब चला जाएगा, थोड़ी ठंडी नहीं लगेगी, कोई सब लोग तैयार हो गए तो बोले यार थोड़ा सा सुसुलेगा, थोड़ा सा वॉशरूम जाना है, थोड़ा बाथरूम करके आते हैं, ऐसे करने में बहुत लेट होती है। जब ज़्यादा लोगों का ग्रुप होता है ना तो ये बहुत कॉमन है लेट हो जाना, तो हम लोग का लेट हो गया था इसलिए लेट आए। अगर वही हम लोग 7:30 बजे गए होते तो हम लोग ऑलमोस्ट 1 बजे के आसपास वापस आ गए। खैर जो भी आए हो, हम लोग वापस आ गए और ये मिल्की वे कैफ़े, यहाँ थोड़ा मिलिट्री का द्वारा रनिंग कैफ़े है
और अभी कुछ खाने पीने का यहाँ पे सामान नहीं है, तो हम लोग के पास जो मैगी है उसी को चलते हैं गर्म पानी में मिलाकर खाते हैं, तो अपना काम बन जाएगा। और अमन के साथ जो दिक्कत हुई थी ना, तो इसके वजह से वो थोड़ा रेस्ट कर रहा है, तो उसका भी वेट करना है, थोड़ा उसका वेट कर लेंगे और फिर आगे निकलते हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं, होप यू लाइक, और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टाटा बाय बाय, सी यू।